रंजू पेड़ा चुगंगा है, रंजू पेड़ा चुगंगा है, वो एक तेरा इरक बड़ा पोरा छम छम रोंदा है। जब तक हम ये शर्म का त्याग नहीं करेंगे अपनी बोली बोलने में या अपनी भाषा बोलने में, तब तक शायद हमारा ना तो बोली डेवलप होगी ना हमारा लोक संगीत डेवलप होगा। लेकिन आज भी हम एक हिमाचली अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। आज भी मैं कांगड़ी हूँ, आज भी कोई दूसरा सिंगर है वो चंबराली है, ये कोई शिमला का है, कोई कहीं का। खास करके पहाड़ की जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत टफ लाइफ थी उस टाइम पुराने समय में। आज तो हर चीज़ अवेलेबल है, आज बड़ी इजी लाइफ है। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे छोटे थे तो कई बार घर पे आटा खत्म हो जाता था, तो जब आटा शाम को आटा खत्म हो गया तो सुबह की टेंशन होती थी कि सुबह खाना कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे। तो किसी दूसरे घर से, पड़ोस से उसको मांग के लाते थे। आग जैसे किसी के यहाँ अगर खत्म हो गई तो आग भी गोटू होते थे उपले, उससे वो जला दूसरे के, के घर से हाँ वो घर। रखते थे सुबह तक, हाँ रखते थे उसको हाँ ढके ताकि सुबह फिर वो उसके काम आएगी। तो ऐसे बहुत सारी मुश्किलात थी, बड़ी मुश्किल लाइफ थी। कमज़ोर करते जा रहे हैं अपने रिश्तों को, कमज़ोर करते जा रहे हैं। अभी हम छोटे छोटे थे तो हमारे, जैसे हम चार भाई बहन थे तो हमारे दो कमरे थे, तो पूरा परिवार वो एक कमरे में ही रहता था। रात को अगर किसी को थोड़ा हल्का सा बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, कोई थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो पूरा परिवार उठ के बैठ जाता था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मोमो खाया या थुपका खाया तो मैं तो खा के थोड़ा सा मैंने कहा, यार ये क्या है, ये कौन खाएगा भाई। और आज आज एक पैदा होता बच्चा भी, उसको वो चाउमीन और मोमो रख दो, वो रोते रोते बंद हो जाता है वो फटाफट के, कहा हमें इनको दे दो आप, ये फास्ट फूड जो भी है लोग पसंद करते हैं। तो नेचुरली सी सीधी सी बात है, लोगों के लिए तो लोक संगीत है, बिल्कुल अगर पर्टिकुलर दो चार लोगों के लिए तो है नहीं, है ना। साहब उनको बहुत शौक था, और हमारे ओकेजनली मेरे फादर पहले आर्मी में थे, उसके बाद ONGC में, आर्मी के बाद फिर ONGC में उन्होंने जॉब की। तो ओकेजनली जब भी वो घर पे आते थे तो वो सारे भाई आपस में, ताऊ चाचे सारे इकट्ठे होकर बैठते थे, तो वो अपने मनोरंजन के लिए वहाँ थोड़ा लोक संगीत गाते थे, बजाते थे। तो वहीं से थोड़ा सा ये संगीत का जो बीज है वो अंकुरित हुआ, जो जिसको बोलते हैं वो जो संस्कार वहाँ से मिले। उसके बाद जैसे कोई 26 जनवरी, 15 अगस्त को ऐसे कार्यक्रम होते थे, उसमें टीचर लोग पार्टिसिपेट करवाते थे बाय फोर्स कि भाई नहीं तुमको गाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो धीरे 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 करके वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। बाद में ये शौक़ काफ़ी बढ़ता गया, और जब मैं कॉलेज आया तो कॉलेज में फिर म्यूजिक सब्जेक्ट रखा, उसकी मैं संगीत की बारीकियाँ सीखी, और वहीं से ऑलमोस्ट एक संगीत की शुरुआत हुई। लेकिन हमारे समय में जब हमारा बचपन जब गुजरा है, तो उस समय भले ही गांव में जो हमारे जैसे लोकल लोग होते थे वो अपना मनोरंजन के लिए पहाड़ी गीत गाते थे, लेकिन ओवरऑल जो चलता था वो या तो पंजाबी गीत होते थे या फिर फिल्मी सॉन्ग चलते थे या गज़लें ज़्यादा उस टाइम पर चली थी। लेकिन क्योंकि लोक संगीत शुरू से ही, जैसे हमारे समाज की उत्पत्ति हुई है, लोक संगीत वहीं से शुरू हुआ है, तो काफ़ी कुछ समाज से सीखा, लोक संगीत से समाज को समझने की कोशिश की। हमारा पास्ट कैसा रहा है, हमारा वर्तमान कैसे चल रहा है, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला, और आज भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और यही कोशिश लगातार जारी तो सर, जब आप सीखना शुरू कर रहे थे है। शुरुआती दिनों में, तब यहाँ पर किस तरीके का म्यूज़िक का चलन था? जैसे आपने बताया पंजाबी भी था,
तब तक जो वेस्टर्न म्यूजिक और पॉप कल्चर का इन्फ्लुएंस आ चुका था या उस टाइम नहीं आया था? उस टाइम पॉप कल्चर कुछ नहीं था, वेस्टर्न का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। पंजाबी सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स का बहुत ज्यादा बॉलीवुड की एंट्री हो चुकी थी तब तक, उसका ज्यादा प्रभाव था, गजलों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। जैसे कॉलेज में हम लोग आए तो उस टाइम लोक संगीत प्रतियोगिता कोई नहीं होती थी। लोक संगीत मतलब पहाड़ी बोलना तो बड़ी दूर की बात है, लोक संगीत सुनना तक लोग पसंद नहीं करते थे। मेरे साथ एक घटना हुई थी, कॉलेज में हमारा इंटर कॉलेज कंपटीशन था, तो उसमें हम लोग होस्ट थे, तो 10-12 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो सबकी वो गज़ल कंपटीशन था लाइट वोकल का, तो सब ने अपनी अपनी पार्टिसिपेशन दे दी। उसके बाद जजेस को रिजल्ट कंपाइल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था, तो वो कहते जी कोई गेस्ट आइटम दे दो, तो कुछ बाकी लोग जो थे वो तो इधर उधर हो गए थे, मैं सामने था, तो म्यूज़िक टीचर फटाफट मेरे पास आए कि कोई गेस्ट आइटम दो तुम, तो मुझे तो एक ही गज़ल आती थी जो मैंने कंपटीशन लगा दी थी, उसके बाद मुझे कुछ आता नहीं था, वो एक लोकगीत आता था। सर एक सेकंड के लिए रुकूंगा, कौन सी गज़ल थी वो? वो हम जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, या कुछ इस टाइप की। अच्छा। पंकज दास जी की गजल है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो काफी अरसा हो गया, 25-30 साल से ज्यादा हो गया, 35 साल जी। तो वो जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, तो वो वाली गजल थी, वो ही आती थी। हाँ। तो मैंने गा दी। उसके बाद जब वो गेस्ट आइटम की बारी आई तो पूरा हॉल वो खचाखच भरा हुआ था, धर्मशाला कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन हुई है, तो जैसे मैं उस टाइम आंखें बंद करके गाता था, क्योंकि बीच में वो हमारे जो फ्रेंड लोग होते थे लड़के, वो शरारत में इशारे करते थे, तो थोड़ा सा फिर वो शक्ल बनाएंगे, हाँ वो कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती थी, तो मैं आंख बंद करके गाता था। तो जब मैंने डाडे दिए बेड़िए सौकड़ी मेरी ये गीत गाने शुरू किया, तो पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल एकदम से हॉल बड़ा मतलब पीसफुल हो गया पूरा एटमोसफियर। तो मैंने आंखें बंद करके जैसे गीत ख़त्म किया, तो वो एक एक दो दो करके सारे बच्चे बाहर चले गए थे, तो आगे को जजेस और दो तीन बच्चे रह गए। मैं बड़ा डिमोरलाइज हुआ, मैंने कहा सोचा शायद कोई मुझसे अच्छा नहीं गाया गया या लोगों को पसंद नहीं आया, तो मैं ना बड़ा उदास होकर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया। तो एक यूपी का लड़का था, मिश्रा मिश्रा करके, मुझे आज भी याद है, उसके फादर योल में सर्विस करते थे, वो मेरे पास आया, मुझे कहता यहाँ क्यों खड़ा है? मैंने कहा यार ये गाया पर मुझे सारे लोग बाहर चले गए। बोले मुझे समझ तो नहीं आया कि तूने क्या गाया, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने गांव में पहुंच गया हूँ, मुझे गांव की फीलिंग आ रही थी पूरी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और ये तेरी वॉइस में बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा सा उसने बूस्टअप किया, पर मैंने सोचा शायद ये भी मेरे को ऐसे ही चढ़ने के झाड़ पर चढ़ा रहा है, मतलब इतने पूरा हॉल चला गया बाहर तो शायद पसंद नहीं आया। तो उसके बाद फिर मुझे उस कंपटीशन में सेकंड प्राइज गज़ल में मिला, तो थोड़ा मैं बूस्टअप हुआ। फिर जब मैं घर जाता था तो मेरे फादर मेरे को पूछते थे, हाँ भाई तू कॉलेज में म्यूज़िक में ऐसे रखा तू क्या सीखता है, क्या तू थोड़ा सा? तो मैंने उनको गज़लें गुजलें सुनाने, तो कहते नहीं गज़ल तेरे उस पर अच्छी नहीं लगती या फिल्मी सॉन्ग इतने अच्छे नहीं लगते, तुम फोक पे काम करो, या फोक तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता तुम्हारी वॉइस में। तो बस वहीं से फिर उन्होंने बूस्टअप किया, वहीं से उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और सर क्या पिताजी भी गाते थे? हाँ पिताजी भी। अच्छा। पिताजी गाते थे, हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते थे, तो मतलब वो शौकिया था। वो जब आर्मी में थे तो आर्मी में वो एक ड्रामेटिक पार्टी होती है वहाँ। अच्छा, अच्छा। तो उसमें वो पार्टिसिपेट किया करते थे, तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ पर सीखा था जी। तो आपने मतलब ट्रेनिंग जो आपकी हुई गाने में वो घर से हुई या? जो मेरा जो बेसिक जो मैंने सीखा वो तो कॉलेज आके सीखा। हाँ। लेकिन जो शुरुआत मेरी हुई है। हाँ। लोक संगीत की, वो मेरे घर से ही हुई है, मेरे गांव से ही हुई है। सर क्या एक बीइंग अ फोक सिंगर क्या क्लासिकली ट्रेंड होना ज़रूरी है किसी गुरु के पास सीखना, या फिर वो ट्रेंड तो खैर अब मैंने जैसे पहले ही कहा, जब हमारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, लोक संगीत तभी से पैदा हुआ, उस सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही लोक संगीत की उत्पत्ति हुई है, जहाँ तक जो मैं समझता हूँ या जो मेरा अनुभव है। बाद में लिपि आ गई, उसको फिर लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया, कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने उन गीतों को, उन लोक संगीत को लिपिबद्ध करके
कि हाँ जी इसको सुबह के टाइम पे गाया जा सकता है, इसको दोपहर को गाया जा सकता है, इसको रात को गाया जा सकता है, तो उसको अलग अलग नाम के अलग अलग रागों में उसको बांध दिया। फिर उन्होंने अपने रियाज के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से उन्होंने आगे फिर ताने वगैरह उसको बनाने शुरू कर दिए। जैसे सात स्वर हैं तो सात स्वरों को आगे पीछे करके उसी लहर में, तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा क्लासिकल एक अलग सा, एक जिसको शास्त्रीय संगीत हम कहते हैं, तो उसका एक टच दे दिया। और जहाँ तक लोक संगीत की बात है, पुराने समय में क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था, राजे महाराजा होते थे और इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, लोग अनपढ़ थे, तो अगर कम्युनिकेट करनी है कोई चीज़, या मान लो आप पावरफुल आदमी हैं, मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ, तो मैंने आपको कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के हित में नहीं है, जो समाज को पसंद नहीं है। अगर राजा को ऐसा निर्णय कर रहा है जो समाज हित में नहीं है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट राजा को वो बोल सके या कोई चिट्ठी लिख सके या कोई, क्योंकि इलिटरेसी थी, तो लोग उस राजा की नकल करके, जैसे स्वांग होते थे, बांठड़े होते थे, भगतें होती थी, करियाड़ा होता था, नाटक जैसे उसे ड्रामा ड्रामाटाइज उसको करके, तो उसको वैसे भी राजा के सामने या जहाँ बहुत सारे लोग होते थे वहाँ उसको उसका प्रचार प्रसार करते थे। लोग कई कैसे थे जिसमें उस कमी के ऊपर कोई ऐसा गीत बना के वो समाज को प्रेरित करते थे, समाज को जागरूक करते थे। ऐसे मतलब अपनी बहुत सारी कई ऐसे सॉन्ग्स रहे हैं जिनको डायरेक्ट तो नहीं बोला जा सकता राजा को, लेकिन उन सॉन्ग्स की वजह से राजा को ये अनुभव होता था कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ समाज मेरा मुझसे नाराज चल रहा है। तो ऐसे करके भी मतलब जो उस टाइम के जो शासक थे उनकी गलतियाँ नाटक और नाटकों में गीतों में वो बताते थे। तो लोक संगीत का शुरू से ही बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। फिर आज के ज़माने में जैसे जिसको हम फोक मीडिया बोलते हैं, लोगों को लोगों की भाषा में अगर कोई बात समझाई जाए तो वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम मान लो यहाँ आके इंग्लिश में कम्युनिकेट करें या पंजाबी में कम्युनिकेट करें या किसी और भाषा में कम्युनिकेट करें, तो शायद हम इतना ज़्यादा उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे समाज पे। लोगों को लोगों की भाषा में ही अगर कोई सूचना दी जाए तो मेरे अपने हिसाब से वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो एक ग्रास रूट तक पहुँचता है। और जो हम किसी दूसरी भाषा में या किसी दूसरे माध्यम से हम समाज को जागरूक करते हैं या सूचना प्रेषित करते हैं, सूचना देते हैं, तो वो जो सूचना है वो उस लेवल तक रहती है जिस लेवल के वो बंदे जिसको वो समझ रहे हैं, जिसको जिस भाषा में हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ वो स्पेसिफिक कैटेगरी तक रहती है, वो नीचे ग्रास रूट तक नहीं पहुंचती। तो ग्रास रूट तक पहुंचाने का सबसे इजी जो माध्यम है वो है फोक मीडिया। बिल्कुल। और फोक मीडिया में हर विधा आती है, उसमें लोक संगीत भी है, लोक नृत्य भी है, नाटक भी है, तो मतलब जो लोक संस्कृति से जो भी जुड़ी चीज है वो सारे ही इसके कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट माध्यम है। सर लोक संगीत में क्या कोई कैटेगरी है, मतलब कितने तरह के लोक संगीत होते हैं अगर ऐसा जानना हो, या फिर जैसे मैं बिहार से हूँ तो हमारे यहाँ जो लोक संगीत है वो अलग अलग सीजन की भी अलग अलग लोक संगीत है, जैसे चैत्र के महीने में चैत्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फागुन में होली वगैरह, तो यहाँ पे वो सेम वैसा ही है। यहाँ पे जैसे अब चैत्र महीने में तो यहाँ ढोलरू गायन बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अच्छा। और ढोलरू जो है वो 21 किस्म का ढोलरू है। अच्छा। 21 टाइप के ये सॉन्ग है जो पर्टिकुलर इस महीने में वो गाए जाते हैं, ये चैत्र से जो बैसाख तक का जो भी कम एक महीना है उसमें वो एक विशेष जाति के लोग उसको गाते हैं। पुराने समय में ये धारणा थी, अब तो खैर ऑलमोस्ट समय चेंज हो रहा है, तो अब तो हर सब लोग गाने शुरू हुए हैं। इसी तरह जब बैसाख चलता था, बैसाखी पर्व, तो बैसाखी के ऊपर भी बहुत सारे गीत थे, और अलग अलग जैसे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग गीत बने हैं। चंबा का एक सुनैना, वो भी
सॉन्ग है वो बैसाखी, उस पे ही वो रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो हमारे पर्व त्योहारों मेलों उसके साथ जुड़े हुए हैं, जी मौसम के साथ जुड़े हुए हैं, ऋतुओं के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ तो ऐसे बहुत सा लोक संगीत ऐसा है। और जैसे आपने बात की, जैसे भ्यागड़ा है, तो जिसको हम लोग गुजरी, अपने लोकल भाषा अच्छा में उसको हाँ गुजरी बोलते हैं, तो वो ऑलमोस्ट वो सुबह के टाइम पे गाए जाते हैं। वो सुबह 4 बजे से लेके 5-6 बजे तक का या 7 बजे तक का उसका टाइम होता है, तो जिसको हम गुजरी सॉन्ग बोलते हैं। और ये भ्यागड़ा, भ्यागड़े सॉन्ग भी जिसको मतलब सुबह के टाइम पे, भ्यागा मतलब सुबह के टाइम पे वो सॉन्ग गाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो जितना भी ये लोक संगीत है, इसको भी अलग अलग टाइम पे गाने वाले गीत हैं। जैसे हमारे पुराने समय में चिंजोटियाँ होती थी, जो चिंजोटियाँ होती थी वो खुले उसमें होती थी, जैसे लोग मेले को, मेले पे जा रहे हैं, वहाँ लोग कहीं छिंज है, मेला है, शाम हो गई है, वहाँ घर से 3-4 किलोमीटर, हम 5 किलोमीटर मेला देखने गए हैं, शाम को जब अंधेरा हो जाता तो उस टाइम ना तो टॉर्च होती थी, ना कोई ऐसा लाइट का साधन था, और जंगली जानवरों का भी डर होता था, तो लोग ना लोक संगीत गाते हुए, वो चिंजोटियाँ गाते हुए घर वापस आते थे। तो उससे दो तीन फायदे होते थे। एक तो जो दूर पार में लोग चल रहे होते थे, तो उनको भी पता चलता था कि हाँ फलां जगह पे कोई जा रहा है, तो वो भी वहाँ से रिप्लाई करते थे, वो भी उन चिंजोटियाँ गाते हुए वो चलते, तो एक दूसरे का हौसला रहता था, क्योंकि जंगली जानवरों का जंगल होते थे, रास्ते पक्के नहीं होते थे, कच्चे रास्ते होते थे। तो कुल मिला के जो लाइफ, खास करके पहाड़ की जो लाइफ थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत टफ लाइफ थी उस टाइम पुराने समय में। आज तो हर चीज़ अवेलेबल है, आज बड़ी इजी लाइफ है। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे छोटे थे, तो कई बार घर पे आटा ख़त्म हो जाता था, तो जब आटा, शाम को आटा ख़त्म हो गया, तो सुबह की टेंशन होती थी कि सुबह खाना कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे, तो किसी दूसरे घर से, पड़ोस से उसको मांग के लाते थे। आग, माचिस बहुत कम हुआ करती थी। लोग, मैंने देखा है वो जो तवा होता है जिसमें रोटियां जी बनाते हैं, उससे वो उसकी पीछे का उसको वो खुरोच के, उसको कागज़ पे या किसी चीज़ पे रख के उस लोहे को उस पे झाड़ते थे, तवे को लोहे के ऊपर उसको वो करके, या पत्थर पे वो करके उसकी चिंगारी निकलती थी, फिर वो उसको चिंगारी पकड़ के तो उससे आग जलाते थे। तो आग जैसे किसी के यहाँ अगर ख़त्म हो गई, तो आग भी गोटू होते थे उपले, उससे वो जला दूसरे के, के घर से हाँ वो फिर रखते थे, सुबह तक हाँ रखते थे उसको हाँ ढके, ताकि सुबह फिर वो उसके काम आएगी। तो ऐसे बहुत सारी मुश्किलात थी, बड़ी मुश्किल लाइफ थी। फिर पानी, दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर से जाके पानी लेके आना पड़ता था, और हफ्ते में 15 दिन में एक बार कपड़े धोते थे, दो दो तीन तीन चार चार दिन के बाद नहाते थे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी पुराने समय में। आज हर चीज़ अवेलेबल है, इजी लाइफ है। हमारे तो जो लोक संगीत है उसमें, जो हिमाचल का जितना भी लोक संगीत है, अब तो थोड़ा उसमें चेंजेस आ गए, लेकिन जी अगर पुराना लोक संगीत आप सुनेंगे, तो पुराने लोक संगीत में चाहे वो खुशी का गीत भी अगर कोई गा रहा है, तो उसमें भी आपको दर्द सुनने में दर्द नज़र आएगा, दर्द महसूस होगा, बिरह आएगी, उदासी जैसी आएगी। उसके पीछे ये कारण रहे हैं कि जैसे मान लो घर में शादी है, कम्युनिकेशन था नहीं, तो गांव में कोई एक आध आदमी पढ़ा लिखा होता था, मेरे घर में शादी है तो मेरा कोई घर का कोई बाहर कोई नौकरी पेशा करने गया है, तो मैं उसको लेटर लिखवा रहा हूँ, चिट्ठी लिखवा रहा हूँ, चिट्ठी मुझे खुद तो लिखने आती नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, मैं आपके पास जा रहा हूँ कि जी मेरी ये लेटर लिख दो, तो कि जी क्या लिखेंगे जी, ये लिखना है, मैंने तो बता दिया, मैं तो निश्चिंत हो गया, लेकिन आपने उस लेटर में क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या है, पहले तो आप ज़्यादा वो करते नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने ऐसे करना, तो उसमें फिर मुझे ज़रूरत थी, तो मैं ये बोलता था कि हाँ जी मेरे को बताओ, मैं भी कर लेता हूँ आपके साथ, जल्दी जल्दी हम काम निपटा लेते हैं, उसके बाद मेरा ये काम कर दो। तो उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता था, जैसे आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आप जी कई प्रकार के अपने काम करवा लेते थे उस आड़ में। और अब जब मान लो वो लेटर लिखा, वो लेटर वहाँ जिसको लिखा वहाँ मिला, नहीं मिला, उसका रिप्लाई आया नहीं आया, कोई वो नहीं होता था, लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन दी कि घर में शादी है,
तो लेटर तो हमने लिख दिया, और जो घर में पत्नी है, माँ है, बहन है, भाई है, उनको इंतजार है कि चिट्ठी हमने लिख दी है वो आएंगे, है आएंगे। ना। लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं है। तो घर में खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो याद है, उसकी जो आने की चाहत है कि वो आएंगे, तो वो उस गीत में झलक रही है। उस इंसान की कमी तो है ना तो इस वो त्योहार चाहे में। वो डांसिंग सॉन्ग है, चाहे वो विवाह शादियों के गीत हैं, चाहे कोई भी गीत है, उसमें थोड़ी सी आपको उदासी जैसी भिरा आपको नजर आएगी। बाकी बड़ा इजी लाइफस्टाइल हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब जो हमारा संगीत या जो भी हमारे गीत बन रहे हैं या बनने चाहिए, वो जैसे समाज की जो एक्सपेक्टेशन है या जैसे समाज उसको कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, वैसे बनने चाहिए। कोई वो बुराई नहीं है। वही मेरा अगला सवाल था सर इसमें, कि लोक संगीत जैसे नाम से ही है कि लोगों का संगीत है ये जनरल पीपल का है ये चीज़, तो तब की दुनिया की जो लोक संगीत थे तो क्या वो समय के साथ साथ बदले हैं? अभी के ज़माने में जैसे सामाजिक ढांचा चेंज हुआ, तो क्या इस ढांचे के लिए भी इसके साथ लोक संगीत भी आगे बढ़ा, प्रोग्रेस हुआ, या हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना। जब क्योंकि जब मैं जब कॉलेज टाइम में मैंने पहली बार वो गीत गाया पहाड़ी गीत, जी उस समय हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। इवन मैं खुद भी, हम लोग ज़्यादा कोई ना तो पहाड़ी बोलते थे, हाँ पहाड़ी बोलने में शर्म महसूस, आज भी बल्कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अपनी बोली बोलने में, अपनी भाषा बोलने, अपनी पहाड़ी बोली बोलने में शर्म महसूस करते हैं। जब तक हम ये शर्म का त्याग नहीं करेंगे अपनी बोली बोलने में या अपनी भाषा बोलने में, तब तक शायद हमारा ना तो बोली डेवलप होगी ना हमारा लोक संगीत डेवलप होगा। लोक संगीत या कोई भी बोली, कोई भी भाषा तब डेवलप होती है जब उसको बार बार बोला जाता है, हर जगह बोला जाता है। किसी को एक टाइम समझ नहीं आया, दूसरे टाइम समझ आएगा, तीसरे टाइम समझ आएगा, चौथे टाइम समझ आएगा, धीरे 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 करके वो उसको फॉलो करने शुरू कर देते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे पंजाब के लोग आते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग घूमे होते हैं, तो पंजाब के लोग कभी अपनी भाषा नहीं छोड़ते। वो यहाँ के भी हमें बोलेंगे, हाँ जी ऐसी मैकलोड़ का जाना, किधरों जाना, कितों जाना। तो हमें, हमने ना तो पंजाबी पढ़ी है ना हम पंजाबी को इतना ज़्यादा वो करते, लेकिन हम उनकी भाषा बोले, हाँ तुम इदा करो, फिर उत्थे जाओ, तुम कुतवाड़ी जाके उत्थे जाके किसी ने पूछ लियो, है ना। जब हम बोलेंगे कि अपनी भाषा में बोलेंगे, भाई तो ऊपर जाओ, तो कुतवाड़ी जाए उतने उसकी पूछ लिए, तो उसके दिमाग में ये आएगा ना, उसने बोला तो कुतवाड़ी जाया, कुछ ये पूछ ही लिया। तो एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, जब हर व्यक्ति उसको ऐसे ही बोलेगा, तो उस वो धीरे धीरे करके उसको हमारी भाषा समझ आनी शुरू हो जाएगी और वो भी उस पर गौर करना शुरू करेगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मेरी बाबा बालकनाथ की बहुत जी सारी जो बेटे हैं वो जी आई, और बाबा बालकनाथ हमारे ईस्ट देवता हैं, आपने एक कुल देवता गीत हैं। भी, हाँ आपका गीत बहुत भी बहुत मैंने सारे नाम है। सुना। मैंने जब फर्स्ट में मैंने शुरू में जो गीत गाए फुलानी बरखा लाई बाबे ने, तो बाबा जी के पंजाब के बहुत सारे लोग बड़े फॉलोअर हैं। तो पहले जब वो कैसेट रिलीज हुई, तो पंजाबी लोगों को इतना ज़्यादा समझ नहीं आया वो, मतलब कि ये क्या है, कैसे है, पहाड़ी किसे पहाड़ी बंदे ने गाया, पता नहीं की है कितना है वो, मतलब वो अपने हिसाब से वो बात करते थे। जब लगातार दो तीन कैसेट्स बाबा जी की आई और उनको अच्छा बार बार सुनने से उनको ना वो समझ लग पड़ा आगे, और बीच में फिर मैंने ना उसको एक अपना एक मोबाइल नंबर दे दिया। फिर बहुत सारे फोन आते थे कि हाँ जी इसदा की मतलब है, ये इसदा की मतलब है। तो जब उनको वो मतलब समझाया, तो उनको बहुत ज़्यादा आस्था, उनको बहुत अपनापन। तो मुझे जितना प्यार हिमाचल में तो चलो मिला ही, लेकिन हिमाचल से बाहर जो बाबा जी के फॉलोअर्स थे या दूसरे जो भी लोक संगीत सुनने वाले लोग थे, उनसे बहुत ज़्यादा मिला। और इससे जो हमारे जिसको बोलते हैं ना कम्युनिकेशन, ये हमारा केवल कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग समझ नहीं सकते, सब समझते हैं, थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस देना पड़ता है दिमाग पे। जैसे पंजाब के लोगों ने, अब तो कई बार फोन करते हैं, हाँ जी आपकी कोई नई भजन नहीं आया, कोई नई कैसेट नहीं आई, तो अच्छा लगता है और इस चीज़ की खुशी होती है कि मतलब हम कम से कम अपने आप जो हिमाचली भाषा, हिमाचली जी भजन है, उनको पंजाब तक पहुंचा रहे हैं या उनको कम्युनिकेट करने तक कामयाब हुए हैं।
और कम से कम वो बाबा जी के उसमें उनको बहुत ज़्यादा उसमें सफलता मिली है, मेरा अपना अनुभव है। सर अभी इस बात से एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि जैसे पंजाबी म्यूज़िक है अभी के टाइम में, वो मेन स्ट्रीम म्यूज़िक अगर बोले कि एक जो बज रहा है हर जगह, बॉलीवुड में आ चुका है पिछले 5-7 सालों में, वो इस्टेब्लिश हो चुका है, पंजाब का फोक म्यूज़िक भी आ चुका है बिल्कुल ही, सर हिमाचल एक ऐसा जगह रहा है जहाँ पे ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे बॉलीवुड फिल्में शूट हुई, शिमला प्राइम लोकेशन रहा है, शिमला कुफरी वाला एरिया या फिर, तो क्या हिमाचली फोक म्यूज़िक मतलब जगह क्यों नहीं बना पा रहा है, या मतलब कैसे मैं आपको वो उसी चीज़ का, हमें कई बार ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक तो मैंने कारण पहले गिनाए, इसके मेन जो कारण है हमारा खुद का जो हमारा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था वो। दूसरा कारण, हम लोग ना प्रॉपर तरीके से अपने आप को ना साबित ही नहीं कर पाए। हम लोग आज भी कांगड़ी, चम्बियाड़ी, हमीरपुरी, मंडियाड़ी, शिमला, किन्नौरी, उसमें बटे हुए हैं। आज भी हमारा जो लोक संगीत है वो है जी, ये कांगड़ी सॉन्ग है, ये जी चिमयाड़ी सॉन्ग है, ये बिलासपुरी सॉन्ग है, ये जी मंडियाड़ी सॉन्ग है, ये किन्नौरी है, ये कुलबी है, ये शिमला का है। आज भी हम उसी उसमें बटे हुए हैं। भले ही प्लेटफॉर्म बहुत सारे मिल गए हैं, लेकिन आज भी हम एक हिमाचली अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। आज भी मैं कांगड़ी हूँ, आज भी कोई दूसरा सिंगर है वो चिमयाड़ी है, ये कोई शिमला का है, कोई कहीं का कहीं का। जब तक अब पंजाबी सॉन्ग तो पंजाबी होता पंजाबी है होता ना, वो कांगड़ी और वो तो नहीं होता। हिमाचली सॉन्ग कांगड़ी होता है, शिमला का होता है, कुल्लू का होता है, चंबा का होता है। जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी तब तक हम अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, आपने शूटिंग्स की बात करी, नो डाउट जो फिल्म के, वैसे मैं वो तो नहीं करता, लेकिन फिल्मी लोग जो होते हैं, जो फिल्म के आने जो लोग होते हैं ना, वो बहुत जी चालू होते हैं। हमारे जो यहाँ पहाड़ी पहाड़ी लोग होते हैं वो थोड़े भोले होते जी हैं, बिल्कुल मतलब किसी ने थोड़ा सा हंस के बोल दिया तो हम अपना पल पल पावड़े बिछा देते हैं कि नहीं तो हमारा अपना है। लेकिन दूसरे लोगों का भरोसा हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, दूसरे लोग हम लोगों को चालू बना के निकल जाते हैं। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, एक गीत है, बड़ा पुराना गीत है। अब उसमें जैसे हुसन पहाड़ों उसने का पहाड़ों का है मेरे ना, दिमाग में भी वही चल आराम रहा तेरी था। गंगा मैली का जो गीत था हाँ हुसन पहाड़ों का, वो साहिबा है ना, हाँ ये जो इसका जो मूल गीत था, वो मूल गीत तो किसी ने आज तक उस गीत को छुआ था कि नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि वो गीत था क्या, मुझे भी नहीं पता है है ना। सर। वो गीत है, रंजू पेड़ा चु गंगा है, रंजू पेड़ा चु गंगा है, वो एक तेरा इरक बड़ा पोरा छम छम रोंदा है। ऐसे वो शूटिंग यूनिट आया था तो कोई किसी कलाकार को बुला लिया कि भाई यार कोई यहाँ को फोक सुनाओ। तो हिमाचली लोग, यार फिल्म के लोग मेरे को बोल रहे हैं यार तो कोई फोक सुनाओ, तो वो बेचारे ने सुना दिया। अब उस बंदे ने जो कोई भी था उस समय, उसने उस चीज़ को ना, अब यहाँ तो इतने ज़्यादा वो थे नहीं इंस्ट्रूमेंट, उस तर्ज को रिकॉर्ड कर लिया या उसको वो लिपिबद्ध कर लिया कि इसमें क्या क्या कौन कौन सा राग सम्मिलित हुआ, कौन सा क्या है, जो भी उसको करके उन्होंने इस पे गीत लिख लिया। और वो गीत फिल्म में सुपर डुपर हिट हुआ, हिमाचल में उस गीत को कोई नहीं जानता है ना। तो इस तरह से लोगों, हिमाचली लोगों को बहुत ज़्यादा ठगा गया है। बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जिनके ऊपर फिल्मी गीत बने हैं, लेकिन पहाड़ी गीत उनको कोई नहीं पूछता। जो लोक संगीत है उसकी कोई भाषा नहीं होती, लोक संगीत रूह को लगने वाला संगीत है। और जहाँ भी जहाँ जहाँ भी लोग रहे हैं उस वहाँ की संस्कृति को वो लोक संगीत झलका दिखाता है, बिल्कुल दर्शाता है। तो मैंने कई बार ना, मैंने वेस्टर्न फोक भी सुना, जैसे रेडियो शिलोंग आता था, दूसरे आते थे जब पुराने समय में, जी तो रात को ना वो मिड वे पे या शॉर्ट वे पे वो पकड़ लेते थे बीच बीच में ना, कई बार अंग्रेजी वो गीत अच्छा आते थे तो हाँ उस टाइम, क्योंकि हमारे वो हार्मोन चेंज हो रहे थे, हमें भी वो थोड़ा सा शौक था जी कि हम अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, हाँ तो अंग्रेजी सॉन्ग सुनते थे तो मतलब ऐसा लगता था। तो वो फोक
होता था उनका, वेस्टर्न सॉन्ग्स होते थे, वेस्टर्न फोक, तो वो सुनने में ऐसे मतलब जैसे हमारा अपना सॉन्ग होता है, जैसे मान लो कोई यूरोप में कोई पहाड़ के लोग हैं वहाँ जी, तो उनका जो फोक है वो ऑलमोस्ट वो पहाड़ों को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तो चलो हम अपनी भाषा में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी धुनें, उनका जो सुनना, उनको वो मतलब रूह को, वो दिल को वो सुकून देता था। तो ऐसा मतलब लोक संगीत की ताकत है जी। तो कहीं का भी हो, लोक संगीत लोक संगीत ही है। सर ये अभी रिसर्च करते समय एक कहानी सामने आई, बड़ी प्रचलित थी, राजा शैल वर्मा के ऊपर कोई शायद लोक अच्छा। संगीत है ऐसा, और एक रुलकुल देवी रुल, करके रुल, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो रुलकुल है वो जो मैंने सुना है या मैंने जो जितने रिसर्च किया है, ये साथ लगता है यहाँ चड़ी क्रो गाँव है वहाँ की ये स्टोरी है। पुराने समय में कोई वहाँ पे राजा गुगमल वो राज करते थे, वहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई है। उनकी पत्नी, क्योंकि उनके टाइम में बहुत ज़्यादा वो हुआ, अकाल पड़ा, तो वहाँ जैसे वो कुल निकालते थे, आज भी वो कुल मौजूद है, तो जैसे वो उस कुल को लेके जा रहे थे तो बीच में वो टूट जाती थी। तो सर ये एक सेकंड, ये कुल कुल क्या होता है? रुल, कुल मतलब जैसे पानी की नहर। अच्छा 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 जी। जैसे मान लो ऊपर से नदी है, नदी से वो पानी काट के उसको लेके जा रहे हैं, जैसे हाँ, उसको खेतों तक ले जाने के लिए, या छोटे छोटी छोटी नहर तो बहुत बड़ी होती है, हाँ, पर यहाँ कुल है बोलते हैं, अच्छा, छोटी जो जिसमें हाँ, पानी लेके हाँ, जाते, तो वो जैसे उसको बनाते, बना के थोड़ा सा नीचे लेके जाते तो पानी का प्रेशर इतना होता वो टूट जाती। उस टाइम थोड़ा सा अंधविश्वास भी बोल सकते हैं या कोई भी वो रही है। तो जब वो राजा ने कई यत्न किए कि यार ये कैसे हो रहा है, तो सभी वो सभा लगा के फिर लोगों ने राजा को बोला कि जी ये कोई अनिष्ट की बात है या कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाद में फिर राजा को कोई स्वप्न हुआ, तो उस स्वप्न में वो कुछ पांच चीज़ें, जैसा कि बताया गया कि पांच चीज़ों में से किसी एक चीज़ का बलिदान दो तब जाके ये कुल बनेगी, तो पांच चीज़ें वो बताएं कि गाय, बिल्ली, झाड़ू, बड़ी बहू या बड़ा बेटा। तो गाय को तो हिंदू सनातन में हम माँ का दर्जा दिया है, उसके बलिदान तो उसकी बलि तो हो नहीं सकती। झाड़ू, जहाँ तक वो झाड़ू को हम लक्ष्मी रूप लक्ष्मी मानते मानते हैं ना, हैं। तो वो भी सभी ने ये कि अगर आपके घर से लक्ष्मी चली गई, आपने झाड़ू का बलिदान दे दिया, लक्ष्मी का बलिदान दे दिया, तो आप फिर राजा किस काम के। बिल्ली, जो बिल्ली की जो हमारे उसमें बहुत उसको के 100 गायों के बराबर हत्या मानी जाती है, अगर कि बिल्ली की को हत्या करता है तो वो भी नहीं फैसला हो सका। जहाँ तक रही लड़के, बड़े लड़के की बात कि जी अगर आप बड़े लड़के का बलिदान करते हैं तो आपका कुल का वृद्धि नहीं होगी, आपका कुल का नाश होगा, तो भी आप फिर आप किस चीज़ के राजा। तो सब ने कुल मिला के ये फैसला किया कि क्यों ना बड़ी बहू का बलिदान दे दिया जाए, बड़ी बहू की बलि दे दो, लड़की की दोबारा शादी कर लेंगे, तो इस तरह आपका कुल भी चलेगा, समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अब ये पता नहीं कितनी सच्ची कितनी झूठी कहानी है, लेकिन जो हमने सुना है आज के समय में तो सर इस बात पे हाँ, बड़ी विवाद खड़ी हो जाएगी वही, कि वही कह रहा हूँ ना, अब वो ये उस समय की है। अब इसी ये ढोलरू गायन हाँ, में ये वाली जो रूल वाली कुल ये गाथा हाँ, ये भी इसे ढोलरू गायन में आती है, अच्छा मतलब एज लोक उसमें लोक गायन में। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद ये कुल बने नहीं बने हो तो भगवान जाने, लेकिन हम लोगों ने जो सीखा, जो जितना हमने बताया गया उसको भी हम फिर एक उससे लेके दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश की। पर ये अब इसका हाँ ये प्रमाण जरूर है कि कुल वो आज भी है, आज भी है, उसके अवशेष आज भी हैं। अब चलती नहीं चलती अभी तो इतना तो वो है नहीं, लेकिन अभी है ये कुल। और जहाँ तक, क्योंकि हमारा हमेशा से हमारा जो समाज रहा है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, बिल्कुल, जहाँ पुरुषों ने बलिदान दिए उन बलिदानों को हमने बड़ा दलेरी के साथ और बड़े मतलब फख्र के साथ उनको प्रचारित प्रसारित किया,
जो सबसे बड़ा बलिदान हमारी जो माताएं बहनें हैं, या भी ये जो रूल वाली कुल है, इसमें जो बलिदान हमारी जो बहन का हुआ है वो बहुत बड़ा बलिदान था। ऐसे कोई किसी को जिंदा दफनाना या जिंदा कोई किसी को बलि करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये है कांगड़ा में रूला रिकुल, चंबा में भी कोई रानी रानी हुई है, उनका भी बलिदान हुआ है। बिलासपुर में एक रुकमण कुंड है, वहाँ पे भी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ भी बलिदान किसी महिला ने दिया है। सती प्रथा थी एक बड़ी, हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति थी, तो अगर हस्बैंड खत्म हो गया तो साथ में वो पत्नी को भी जिंदा जला देते थे, वो सती कर देते थे। तो ये खैर अब तो प्रथाएं ये सारी खत्म हो गई हैं, लेकिन उस समय थी, किन परिस्थितियों में थी, कैसी थी, क्या थी, वो तो भगवान जाने, लेकिन वो ये थी। तो इसी तरह से ये जो हमारा ये जो 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 भी बलिदान हमारे बहनों ने दिए हैं, माताओं ने दिए हैं, वो उनकी गाथाएं लगातार आज भी गाई जाती हैं, सुनी जाती हैं। और सर ये जो फोक म्यूज़िक का जो मेन थीम होता है वो शायद जितनी मुझे समझ में आई कि वो ऐसा था कि आपने कहा सेपरेशन वाली चीज़ विरह थी, वो मेन सेंट्रल थीम वही था हर हर म्यूज़िक के आसपास वो चीज़ था। अगर पुराना म्यूज़िक आप सुनेंगे तो अब जो नया म्यूज़िक है, नया म्यूज़िक तो उसमें तो थोड़ा क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी पढ़ लिख भी गई है, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब पहले जो माध्यम थे वो जब स्टार्टिंग में जैसे रेडियो की आविष्कार नहीं हुआ था तो जो एक संगीत के जत्थे होते थे, जैसे हर गांव में कोई ना कोई एक दो लोग होते थे जिनको एक थोड़ा मतलब एक अच्छे उससे माना जाता था कि हाँ जी ये हमारे गांव के ये एक संगीत मंडली है। इसी तरह से पंजाब के एक संगीत ढाडी जत्थे होते थे जिसको ढाडी जत्था बोलते थे, हर स्टेट में हर जिले में हर गांव में ऐसे ऐसे लोग होते थे जो अपने संगीत का प्रचार प्रसार करते थे। या उस समय के जो जैसे मान लो कोई किसी राजा ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, तो उसको भी वो लोग अपने गीत संगीत के माध्यम से आगे पहुंचाते थे। तो लोक संगीत की तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा, अब एक जहाँ तक मैं समझता हूँ जो लोक संगीत का जो कम्युनिकेशन जिसको जैसे अब जर्नलिज्म में या मीडिया कम्युनिकेशन में अगर कोई सबसे बड़ा पत्रकार हुआ है आज तक के इतिहास में, तो वो अगर वेद पुराणों की बात भी ली जाए तो वो नारद मुनि से बड़ा कोई सही बात पत्रकार नहीं है। नारद मुनि का तो ये था कि वो जैसी उनको सूचना मिलती थी वो वैसी पहुंचा देते, अगर अच्छी सूचना तो वो अच्छी बोल देते थे, बुरी सूचना तो वो बुरी सूचना भी वो पहुंचा देते थे। तो अनबायस्ड मीडिया थे वो। हाँ, तो वहीं से वो मतलब मैं समझता हूँ कि वहीं से पत्रकारिता की भी शुरुआत वहीं से हुई है और लोक संगीत की शुरुआत भी वहीं से हुई है, क्योंकि वो लेके चलते थे अपना एक करताल जैसा करताल जैसा पर ट्र करके बजाते थे, उसके बाद अलर्ट हो जाते थे लोग कि हाँ यार अब नाराज है कुछ कुछ लोग तो बताएंगे। तो वो पत्रकारिता और लोक संगीत ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने सही मैंने वो पत्रकारिता अगर आप करना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं, तो आपको इस क्षेत्र में लोक संगीत के क्षेत्र में आपको अंदर तक जाना पड़ेगा और कि कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं। तो ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सर मेरा एक मतलब निजी जो मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में लोक संगीत को जानने के लिए, तो ये मेरा इसलिए भी था कि मेरा ये मानना था कि लोक संगीत ख़त्म हो रहा है या फिर उसकी खुशबू फीकी पड़ रही है अब, या शायद ये दूसरे जनरेशन तक है, वो जो हमारे पिताजी की जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है, उसके बाद फिर बहुत कम चांसेस हैं कि आगे ये उसी फिर, उस उसी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ पाएगी। फिर मैं उसको मैं ऐसा समझता हूँ फिर वो मतलब वो वैसा फोक नहीं रहेगा, वैसा लोक संगीत नहीं रहेगा, फिर आएगा पॉप फोक। अब उसका कारण क्या है कि जैसे हमारा समाज पढ़ गया, तो मैंने पहले ही कहा कि हम थोड़ा सा ना अपने एडवांस बढ़ने के चक्कर में ना
हम अपने आप को मॉडर्न बनने के चक्कर में हम जो हमारा पिछला जो हमारा इतना मतलब हेरिटेज हमारा जो पीछे इतिहास है हेरिटेज वाला जिसको बोलते हैं हम के हमारा ये लोक संगीत है हम उसको ढूंढना नहीं चाहते हम उसको लेके चलेंगे तो हम सोचते हैं यार नहीं नहीं वो बुजुर्गों की बात होगी। अच्छा आम बोल चाल में भी कई बार क्या हम जैसे बोलते जैसे मेरे बच्चे कई बार बोलते हैं पापा आपके टाइम में आपका ज़माना थोड़ा नहीं आता तो ये हमारे टाइम में थोड़ा ये अलग से हटके है तो मुझे याद आता कई बार हम अपने पेरेंट्स को भी तो ऐसे ही बोलते थे कि नहीं 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 पिता अब वो बात नहीं है अब ज़माना चेंज हो गया है तो अब थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है तो मैं ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये चेंज हो रहा है और फोक म्यूजिक मतलब रहेगा हो सकता है उसमें रैप भी आ जाए फोक म्यूजिक तो रहेगा लेकिन हमारा जो जो पुराने अब मैं क्या हूँ मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा अगर कोई लोक गीत रचयिता है वो जितना अनपढ़ होगा वो उतने अच्छे गीत लिखेगा जितना अनपढ़ कवि होगा वो अपने हृदय की बात बोलेगा जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो 10 बातें सोच के वो कोई बात लिखेगा वो उसमें अपना हित भी देखेगा अपना अहित भी देखेगा वो समाज के ताने मेरे को ना मिले वो चीज़ भी सोचेगा तो वो बीच का रास्ता इख्तियार करेगा और जो जो अनपढ़ व्यक्ति होगा या जो जो सही मायने में जो जिन लोगों ने अब से 200-200 साल या 400-400 साल पहले जो गीत लिखे हैं या जो फोक लिखा है तो उन्होंने कुछ उस पर थोड़ा लिखा कागजों पे तो लिखा नहीं, नहीं। उन्होंने कंठस्थ करके अपने अनुभव को अपने अपने आप को ढाल के अपने आप को ढाल के उन गीतों को अपने में रच बस करके उनको कम्युनिकेट किया वो लोगों तक पहुंचाया उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं यार वाकई ये तो मेरी भी तो मेरी लाइफ में भी तो ऐसे ही तो मैं भी तो ऐसा ही मेरे साथ भी तो ऐसे ही हो रहा है तो जो महसूस किया वो कह दिया वो उन्होंने कह दिया दूसरे ने उसको आत्मसात कर लिया तो इस करके फिर वो चलता रहा अब थोड़ा सा चेंज हो गया अब तो अब महसूस ही नहीं कर रहे हैं अब महसूस अब तो ये मोबाइल ही महसूस होने देता महसूस क्या करना सर YouTube वगैरह अभी सोशल मीडिया YouTube ये सब तो इसके बाद कैसा है मतलब आपका अभी एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसमें जैसे अब कई बार हमने बचपन में जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हमें एक सब्जेक्ट आया था विज्ञान के लाभ और हानियाँ हाँ बिल्कुल वही सवाल है ये उसी का तो आज जहाँ विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है बहुत उन्नति की है तो नो डाउट जहाँ हमें इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है लेकिन इसका जो नुकसान है उस फायदे से कई गुना ज़्यादा इसका हमें नुकसान भी झेलना पड़ रहा है इससे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो छिन भिन हो रहा है हमारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं आज आप मेरे घर में आए हैं अब तो चलो थोड़ा काम है अगर आप वैसे ही मिलने आए होते तो मैंने अपना मोबाइल लेके बैठ जाना था आपने अपना मोबाइल लेके बैठ जाना था बाकी सब ने अपना मोबाइल लेके बैठ जाना था एक एक घंटा दो दो घंटे लोग बैठे रहते हैं घर में किसी से कोई बात नहीं वो अपने अपने उसमें अपनी दुनिया में खोए हैं है ना थोड़ी देर के जिस घर में आए वो भी परेशान होते अच्छा जी तो अब क्या बस नहीं बस हम तो चले जाएंगे जी खाना खा के नहीं 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 हम खा लेंगे जी तो जो जिसके घर में वो सोच रहे ठीक है जाओ जाओ कहो जाते हैं जो आए हैं उनको यही पता नहीं कि वो आए क्यों थे रास्ते में जाकर उनको याद आ रही ओह यार हमने तो ये बात करनी थी तो आज हर चीज़ को हम मतलब कमज़ोर करते जा रहे हैं अपने रिश्तों को कमज़ोर करते जा रहे हैं अभी हम छोटे छोटे थे तो हमारे जैसे हम चार भाई बहन थे तो हमारे दो कमरे थे तो पूरा परिवार वो एक कमरे में ही रहता था रात को अगर किसी को थोड़ा हल्का सा बुखार हो गया सिर दर्द हो गया कोई थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई तो पूरा परिवार उठ के बैठ जाता था आज खाना भी कई बार अपने अपने रूम में ही खा रहे हैं या डाइनिंग टेबल लगाए तो वो भी नाम के ही हैं अपना खाना अपनी प्लेट उठाई अपना टीवी अपना मोबाइल जो भी है वो अपने अपने रूम में उसके बाद कुंडी लगाई अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कोई पता नहीं है ना कोई मरता मर जाए जीता जी जाए सुबह कुंडी खोलेंगे तब पता चलेगा किसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो हमारा ये जो सिस्टम है ये सारा ब्रेक हो रहा है अब माइक्रो फैमिलीज आ गई रिश्ते ख़त्म हो गए नहीं तो पहले बुएँ होती थी ताऊ होते थे चाचा होते थे है ना फिर
हर किसी के साथ कोई ना कोई हम रिश्ता बना के रखते थे, वो बुआ होती थी, मतलब पूरे हम उसको एक आत्मिक तौर पे हम जुड़े होते थे। मोहल्ले के सारे बुजुर्ग दादा हैं और जितने पिताजी के हाँ, संबंध में वो सारे चाचा हैं। इतना डर होता था गांव में, अगर कुछ थोड़ा सा हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर गांव में पिटाई हुई तो वो घर पे पक्का पिटाई होगी, क्योंकि पहले गांव वाले ने ताऊ चाची जो भी होते थे उस टाइम बड़े, उन्होंने पिटाई करी, फिर वो घर में जाके बोलेंगे तुम्हारे बेटे ने ऐसे किया, तुम्हारे उसने ऐसे किया, तो घर पर भी पिटाई होती थी। स्कूल में पिटाई होती थी तो स्कूल में जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग होते थे कि यार घर पे ना बता दे, तो उसको पटाना पड़ता था, यार तू टॉफी खा ले, यार तू ये ले ले, तू घर मत बताना, तो फिर वो ब्लैकमेल करते थे, तो वो घर बता के फिर घर में अलग से पिटाई होती थी। अब चेंज हो गया, अब किसी के बच्चे को हाथ लगा के देखो पूरा मल्ला आ जाए, पूरे मल्ले के साथ लड़ाई करने चला जाएगा बंदा, तुम मेरे बेटे को बोला क्यों भाई, आप होते कौन है बोलने वाले, जो मर्जी करे। अब बच्चे जो हैं वो इस माइक्रो फैमिलीज की वजह से नशों के उसमें पड़ गए, कोई कोई अब मेरे सामने किसी का बच्चा नशा कर रहा मुझे क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे पता अगर मैं बोलूंगा तो मेरे से लड़ाई करेंगे, आप कौन होते बोलने वाले, हमारे बच्चे जो मर्जी करें आप कौन है। तो जो सेल्फ डिपेंडेंट जो था ना सिस्टम, उससे जहां बच्चों का खैर कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है, लेकिन समाज का ताना बाना अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा नहीं है आज तो अच्छा लग रहा है, जैसे आपकी पीढ़ी है आपको कोई रोक टोक करे तो आपको बुरा लगेगा, आज तो बुरा लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब आपको ये चीज़ें याद आएंगी तो आप सोचेंगे यार अगर उस टाइम ये बात मानी होती है, कि जब हम छोटे छोटे थे या कॉलेज पढ़ते थे हमारे साथ को अगर कोई लड़की एक बार हंस पड़ी तो हमारा हफ्ता साफ हो जाता था, हम खुश हो जाते थे कि बात ठीक है अभी हंसी है लड़की। अब जमाना चेंज हो गया, अरे तो अब मिल रहे हैं, अब वो टेलीफोन वो मोबाइल ऑनलाइन डेटिंग हो गई और वो हर कुछ ही प्री वेडिंग शूट शुरू हो गए, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे यार, हमने तो कभी हमारी शादियाँ हुई तो हम तो चिट्ठियाँ चुटियाँ कभी पढ़ा हो रही है लेकिन डर डर के कोई देख ना ले कोई पढ़ ना ले, हम सब कुछ ही साफ होता भी चेंज हो गया। तो मतलब ये जो 10-15 सालों में विज्ञान ने पलटी मारी है ना, इसने हमारे समाज को भी पलट दिया, ऊपर से हम लिविंग रिलेशन में आ गए, उससे हमारे और भी ज़्यादा दुष्प्रभाव आने शुरू हो गए, क्योंकि जब तक एक चाहत रहती है एक दूसरे को समझने की तो वो तो शादी से पहले पूरी हो गई, फिर कमियां शुरू हो जाती है, नहीं नहीं ये इसने इसमें तो ये कमी है, मेरे से बेचारे नहीं मिल रहे, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, तो फिर वो इन्फेटिक कॉम्प्लेक्स सारी उम्र रहता है, यार उसने मेरे साथ ऐसे किया था, यार उस लड़के ने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने उसके साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, फिर वो ना वो हम उस पर अपने आप को कर ही नहीं पाते, परिपक्व हो ही नहीं पाते। तो ऐसा ही है बस, ये मतलब ये सारे ना सही बात है, ये जो बदलाव आ रहे हैं तो इसमें हर चीज बदलेगी, इसमें हमारा लोक संगीत भी बदलेगा, इसमें हमारा रहन सहन भी बदल रहा है। हाँ इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की बात है लोक संगीत को, कि इसको साफ सुथरा स्वच्छ, अब जैसे आजकल का जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है लिव इन रिलेशंस या दो भी हमारा आजकल का जो सिस्टम है, इसको कोई गीत गा के बताया बोला मेरे को लोगों ने मार देना, ये तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या 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 गीत लिख रहे हो तुम, तो लड़का लड़की हो वहाँ रह रहे ऐसे कर रहे वैसे कर लिखो बोला। तो अब ये थोड़ा सा ना ये बड़ा कठिन समय है खास करके लोक संगीत के लिए, इसलिए भी शायद मुश्किल है आगे बढ़ना लोक संगीत का आगे के जनरेशन तक, क्योंकि ढांचा ही वो नहीं रहा ना समाज का, तो फिर आगे वो अब पता क्या, अब जैसे पुराने समय जैसे कैबरे डांस होते थे है ना, या कौन बेले डांस कौन कौन से वो डांस होते हैं दूसरे वाले ना, अब इसमें इसकी शुरुआत होने वाली है, ऑलमोस्ट लगभग हो भी गई है, हो गई है, कई कई गीत मैंने ऐसे भी देखे जिसमें बिल्कुल मतलब वो फूड जैसे ड्रेसेस पहनाई होती है और बड़ा एक बर्गर जैसा वो किया जाता है, तो क्योंकि जो कोई देखेगा तो वो उसको तो वो आत्मसात वो सोचेगा मैं सिंगर बनूंगा तो मैं तो इससे भी अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, मैं इससे भी कम कपड़े पहनाऊंगा, है ना, मतलब उनके थॉट आते हैं ना कि अगर आज कोई कुछ नहीं बोल रहा तो फिर हमें भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब हम कॉलेज पढ़ते थे एक छोटे से एग्जाम्पल है, आज जैसे ये चाइनीज फूड हर जगह मिल रहा है तो हमारे टाइम में उतना नहीं, हमारे टाइम में समोसे होते थे टिकियाँ होती थी और ये आलू छोले वगैरह हम लोग उसको ज़्यादा पसंद करते थे। तो कई बार जैसे पार्टी वगैरह होती थी तो तीन रेस्टोरेंट होते थे तो कोई दोस्त वगैरह चलो यार हम आज थुपका खाते हैं आज मोमो खाते हैं, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मोमो खाए या थुपका खाया तो मैं तो खा के थोड़ा सा मैंने कहा यार ये क्या है ये कौन खाएगा भाई, और आज
आज एक पैदा होता बच्चा भी उसको वो चौमिन और मोमो रख दो, वो रोते रोते बंद हो जाता है, वो बड़ा बड़ा कहा हमें इनको दे दो आप ये फास्ट फूड जो भी है। तो मतलब ये सारा सिस्टम है वो चेंज। अब जो चीज़ बार बार परोसी जाती है ना, जो चीज़ आपके बार बार दी जाएगी बार बार दी जाएगी, तो वो धीरे 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 करके वो आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो चाइनीज़ फूड का वैसे ही हुआ, हमारे टिटी टिकियाँ समोसे पकौड़े जलेबियाँ गायब हो गए। अब जितने बड़े मेले होते हैं जितना भी वो होता है आपका, चाहे आप जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपके जो स्थानीय मेले हैं जो भी आपका, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ बचपन में जाओ अपने पेरेंट्स को पूछो कि आपके टाइम में क्या होता था, तो वे बड़े खुशी खुशी बताते हैं कि हमारे टाइम में कचौरी होती थी, ऐसे होता था, ये जलेबियाँ होता होती था, जलेबियाँ थी, था। अब वो सिस्टम खत्म है। अब नहीं है। कोई अगर मेले में 50 दुकानें लगी है तो उसमें 15 दुकानें 20 तो आपको ये फास्ट फूड की चाउमीन होंगी, और और मंचूरियन सबसे के। ज्यादा रश जो होगा वो इसी इन्हीं दुकानों पे होगा, है ना। तो जैसे जैसे हमारा समाज चेंज होगा हर चीज चेंज होती जाएगी। तो हमारा लोक संगीत में मुझे लगता है कि अब बदलाव भी हो रहा है। अब वो देखना है कि किस और कैसा बदलाव होता है। वो अभी ये शायद ये बीच का जो चेंजिंग वाला पीरियड है वो ये है। पर ये इस पीरियड में अगर थोड़ा सा हम अपने आप को, या जो भी हमारे जिनके ऊपर ये दायित्व है, जैसे कोई हाँ। लोक गायक हैं या कोई राइटर हैं पोइट हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये दायित्व है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आपको अगर ही वो, सरमशाल लेके चलना पड़ेगा आगे। तो अब हमें भी कई बार ना, हम भी जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है यार आप वही पुराने टाइम के गाते रहते हो, उन्हें थोड़ा सा चेंज करो। तो अब वो चेंज क्या कर दूँ मैं उसमें, मेरे को ये समझ नहीं आती यार मैं क्या चेंज कर दूँ। तो मतलब हमारी जो युवा, नो डाउट मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग अभी हमारे जो युवा पीढ़ी है, युवा बच्चे, जैसे मेरे उस पर भी कई बार हम पोस्टर डालते हैं, कई बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए डाल देता हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कई बीच में ऐसे खुराफाते होते हैं ना, वो इतने ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं उसमें दुख हो रहा होता है कि यार ये क्या बंदा क्या लिख रहा है क्या बोल रहा है, तो थोड़ा सा वो रहता है। तो ऐसे ये कुल मिला के मतलब जैसे हम इस टाइम जो है ना, हम एक ऐसी भट्टी जला के बैठे हैं जिसमें हमने सब्जी तो रख दी है और हमें ये पता नहीं है कि उसमें हमने मसाले कितने कितने डालने हैं। अगर मसाले थोड़े थोड़े डल गए तब तो एक अच्छी स्वादिष्ट वो सब्जी बनेगी। इसमें एक दो चीज़ों का भी अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया काम, तो भी वो सब्जी नहीं, फिर तो वो कुछ और ही बनेगा, है ना। जैसे मतलब हम सही कुछ बात है। मान लो दाल बना रहे हैं, अगर नमक उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो वो उसका ख़त्म है सिस्टम। इसी तरह हम अगर मिर्च ज़्यादा हो गई, हल्दी ज़्यादा हो गई, जो मसाले ज़्यादा हो गए, तो फिर वो उसका स्वाद वैसा नहीं रहता। तो हर चीज़ उसमें बैलेंस रहे। मैं ये नहीं कहता कि जैसे चेंज हो रहा है चेंज हो, लेकिन बैलेंस हो उसमें, हमारा जो सामाजिक ताना बाना उस पर भी कोई प्रभाव ना पड़े बहुत ज़्यादा, एक्सेप्टेबल हो धीरे धीरे हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। पर एकदम से जैसे हम आज चेंज हो रहे हैं, हमारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, हमारा जो आत्मिक तौर पे हम जैसे पेरेंट्स के साथ इतना मतलब जुड़े, हल्की सी अगर पेरेंट्स को, जब मैं छोटा था तो अगर पेरेंट्स को थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो कई कई जब तक पेरेंट्स ठीक नहीं होते थे तब तक तो टेंशन रहती थी कि यार ये भगवान जी ठीक हो जाए, भगवान जी ठीक हो जाए, भगवान जी ठीक हो जाए। आज वो थोड़ा सा ज़माना चेंज हो रहा है, आज तो पेरेंट्स की जेब देखी जाती है, उनका कैसे कमा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या नहीं हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि जी आप तो हमें पैसे से मतलब है, पैसे दो आप हमें तो ये ज़रूरत है, मैंने अपने मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मैंने फ्रेंड की पार्टी में जाना, मैंने शादी में जाना, मैंने ये करना, मैंने वो करना। तो थोड़ा सा वो है, पर चलो अच्छा ही होगा, भगवान करे अच्छा हो। और आप जैसे जो युवा हैं उनके ऊपर बहुत सारा हमारे दायित्व भी, है, हमारे ऊपर भी, हमारे कंधों पर भी दायित्व है। बहुत सारा दायित्व है, आप ही के कंधों पे दायित्व है। सही बात है। हमने तो जो करना था, जो कमाना था, जितना कम्युनिकेट करना था, मेरा क्या था, मैंने तो जो बुजुर्गों से जन्म सुना उसको मैंने एज इट इज अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। अब अगली पीढ़ी उसको कैसे आगे क्या करती है, अब क्योंकि मैं जब कई हमारे को नवोदित कलाकार हैं, कई ऐसे हैं जो नए गीत तो लिख नहीं रहे हैं, वो उन्हीं पुराने गीतों को वो तोड़ मरोड़ करके, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हमारा एक गीत था यहाँ का, वो जियोग्राफिकली मतलब वो गीत मतलब हमारे जो लोक संगीत है वो जियोग्राफिकली जियोग्राफी के साथ जुड़े हुए थे, हमारा जी। जो भौगोलिक दृष्टि है उसके साथ। बिल्कुल। वो गीत था मायनी मेरी जम्मू में जरा चंबा कितनी दूर, और इस उस गीत को सोलन बिलासपुर कांगड़ा चंबा मंडी, इसको बहुत सारे लोग जी। जियोग्राफिकली, जैसे मान लो बिलासपुर की लड़की या सोलन की लड़की पूछ रही है अपनी माँ के, माँ के जम्मू का रास्ता जो है इसे चंबा कितनी दूर है,
तो जो बिलासपुर से चल रही है उसने सुना था कि इस तरफ है जम्मू, इस तरफ है, लेकिन जम्मू के रास्ते पे चंबा भी आता है बीच में, तो वो कहाँ है, वो कितनी दूर है। तो माँ के साथ उसने उसको पूछा, कम्युनिकेट वो कर रही है जी। अब। हमारे एक स्टार बॉलीवुड कलाकार है, मैं उसमें कोई संकोच भी नहीं करूँ, मोहित चौहान जी, उन्होंने उस गीत का अर्थ का अनर्थ कर दिया। हाँ ठीक है, उन्होंने चेंज करना था तो चलो उसको जियोग्राफी कहीं चेंज मत करो, आप उसका जियोग्राफी मत बिगाड़ो, उसका मूल वैसे रहने दो, बाकी उसके जैसे मर्जी बदल दो। उन्होंने कहा मायने मेरी है शिमला से राय चंबा कितनी दूर। अब जो कांगड़े की लड़की पहले शिमला जाएगी, फिर शिमला के बाद वो पूछेगी जाके चंबा कितनी दूर है ना। तो वो मतलब ना उस गीत का अर्थ का अनर्थ हो गया। मैं हालांकि उनको दोष नहीं देता, जिस किसी ने भी उनको गाइड किया, जिस किसी ने भी उनको लिख के दिया, क्योंकि वो वहीं उधर के रहने वाले हैं, तो हो सकता है उनका वो प्रेम जागा हो, लेकिन उन्होंने वो थोड़ा ना उस पर मेहनत नहीं की, थोड़ा सा उस पर अगर गौर करते तो ये ना अर्थ का अनर्थ हो गया, लॉजिक मिसिंग हो गया सर, वो लॉजिक टोटली मिसिंग हो गया। फिर अब उस गीत को अब जो हमारी नई जनरेशन है उसने हाथों हाथ लपक लिया, वो इतना पसंद किया, हर स्टेज पे हर उस पे वो गीत गाया जाता है, हिमाचली सॉन्ग के नाम पे सबसे पहले यही गाया जाता है, यही गीत गाया जाता है। और हमारे जैसे लोग उसको सुन के हम फूटते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है ना, उसकी पीड़ा होती है। तो हम किसको बताएं फिर, वो उसको कौन वो करेगा। हालांकि एक आध बार मैंने कोशिश की भी मोहित चौहान, मोहित चौहान ने बोला कि यार मेरे को किसी ने दिया, मैंने चलो गा दिया। मैंने कहा आपको उस पर रिसर्च करना चाहिए था ना, कि जियोग्राफिकली थोड़ा सा ये बदलना नहीं, मतलब उस पर चेंजेस नहीं चाहिए थे। तो ये हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग है, तो वो जो कई लड़की बेचारी वो पूछ रही है माँ को, तो वो शिमला जाके थोड़ी पूछेगी शिमले दे रहा है चंबा के नहीं, तो वो तो चला गया फिर वो दूसरी तरफ, तो वो सारा ही वो चेंज हो गया। तो ऐसे ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे बदलाव हमारी जो जो यंग जनरेशन है वो अनजानपने में वो कर देती है, लेकिन उसका बड़ा घातक परिणाम होता है। अब देखो 10-20 सालों के बाद ये मोहित चौहान वाला गाना ये प्रचलित रहेगा, और जो मूल गीत है वो खत्म हो जाएगा, किसी को पता नहीं होगा कि हाँ असली गीत क्या था या क्या नहीं था, इसका मतलब क्या था। आज के पहले मुझे भी नहीं पता था सर, अभी अभी पता चला मुझे भी। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बहुत सारे मतलब ना हमारी जो नई पीढ़ी है उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है। जैसे मान लो कुछ गीत जैसे किसी ने गा दिया, लेकिन उसका जो मूल गीत जो पुराने हैं वो उसी नीचे दब गए। तो वही है बस, जब इनको खोदेंगे, जैसे होता है ना पुराने मकान खोदते तो कई बार उसके नीचे कोई बोलते जी हमें तो खजाना मिल गया जी, इसमें अशरफियाँ मिली इसमें जी, वो मिले चांदी के सिक्के मिले, कहाँ मिला। तो ये हमारे लोक संगीत में भी ऐसा ही है, अगर इसको रिसर्च करके आप पीछे जाते जाओगे तो इसमें बहुत अच्छा और बहुत गूढ़ा आपको इतिहास मिलेगा। अभी जब आप वो सर सामाजिक वो ढांचे की बात कर रहे थे, और हम लोग जब कह रहे थे कि कैसे चेंज हो रहा है, तो मुझे याद आ रहा था कि हमारे यहाँ बिहार में, हमारे यहाँ लोक संगीत में जब कोई बच्चा पैदा लेता था तो सोहर गाते थे। यहाँ पर भी मैंने पता गाते हैं। जी हाँ ऐसा नहीं, हमारे संस्कार गीत वो, अब तो हम ऑलमोस्ट मैं खुद भी हम लोग बहुत सारे गीत भूल गए जो संस्कार हमारे। तो पानी भरने का अलग से गीत होता था, रोटी बना रहे हैं उसका अलग गीत है, खाने जब आप किसी को खाना खिला रहे हैं उसके लिए एक अलग से गीत होता था, बर्तन साफ कर रहे हैं उसके लिए अलग से गीत होता था, फसल घास अगर उस फसल में से घास निकाल रहे हैं उसके लिए अलग गीत होता था, फसल काट रहे हैं उसके लिए अलग गीत था, मतलब इतने गीत थे, चलते फिरते हर कदम कदम पे हमारे संस्कार गीत होते थे। आगे के लिए सर एक आपका मतलब आपकी निजी इच्छा विश लोक संगीत को लेके आपका क्या है? ऐसा ना, लोक संगीत एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी सूचना को बहुत जल्दी तक लोगों तक वो पहुंचा देता है। क्योंकि मैंने आईपीआर में सर्विस की है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे हम लोगों को ना जैसे गीत बनाते थे उस पर नाटक बनाते थे, तो लोगों को लोगों की भाषा में तो वो बहुत ज्यादा प्रचलित होती थी। अभी तो इलेक्शंस में भी हमने देखा, वो अब जैसे इलेक्शन चल रहे हैं तो वो कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के लिए तो वो लोगों को ना वो बार बार जब गाए जाते हैं तो लोग उसको आत्मसात कर लेते हैं, लोग सोचते हैं नहीं नहीं ठीक ठीक है ये ठीक बोला यार, इस पे तो गीत भी बने, ये फलाना है ये, तो मतलब उस पे थोड़ा सा वो चल जाता है। अब जैसे आपने बिहार की बात करी, बिहार और यूपी में आप लोग कोई काबा कोबा वाला कोई गीत गूत चल रहा था, उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, कौन कोई सिंगर है वहाँ पे, लोग गायिका वहाँ पे कोई ना,
तो पता नहीं, मेरे ध्यान में हाँ नहीं है उसमें अभी। भी था, तो उसका भी मतलब इतना प्रभाव है कि वो सरकारों तक को हिला देता है लोक संगीत। अगर किसी की स्तुति में गाओ तब तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है, अगर किसी की थोड़ा सा अगेंस्ट गा दो तो फिर वो उसका जो प्रभाव है तो वो सरकारें उससे हिलती हैं। क्योंकि वो अब बहुत आसानी से फैलती हैं और दूर उसमें होता तक ना, जाती अब हैं। स्तुति तो हर किसी को अच्छी लगती है, वो तो देवी देवताओं को भी अच्छी लगती है। अब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उनकी स्तुति तो है। अगर सो दुबले के गाड़ियाँ निकाले वाला है ना, या किसी को जैसे कोई किसी आपको यार भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत अच्छे हैं, और यहाँ मतलब तू बहन तू ये वो तो आपने इसमें रिएक्ट नहीं करना है ना। तो लोक संगीत का वैसे ही है, एक तो शास्त्रीय संगीत में मंत्रोच्चार होता है ना, लोक संगीत में समाज को जागरूक करने के लिए ये लोक संगीत होता है। इसमें चाहे आप अच्छाई के साथ कर लो, चाहे इसको बुराई के साथ कर लो, चाहे अच्छे गीत शास्त्रीय बनाओ चाहे संगीत वो बुरे एक गीत बनाओ। घराने तक ही सीमित रह गया, और मतलब वो एक मतलब राजाओं की चीज़, या फिर एक एक वो एलीट क्लास ने पकड़ लिया शायद शास्त्रीय संगीत को। थोड़ा चलो उसमें जो गुणीजन जो लोग हैं ना वो तो चलो सिखाए उनको तो उनसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन वो अध जल गगरी छरकत जात वाणी जो बात है ना, आजकल जगह जगह आपको गुरु मिल जाएंगे। अब कई मैंने टीचर ऐसे देखे, हालांकि उनको खुद एक ऐसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हैं जो इस विधा से बड़ी दूर है, उनको कोई वो नहीं है, लेकिन जो बेचारे स्टूडेंट्स उनके पास आ रहे हैं उनसे सीख रहे हैं या जो भी वो उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो जब वो उनको गुरु जी गुरु जी गुरु जी करके ना, तो वो बड़े पारे फूलते हैं कि भाई मैं तो बड़ा पता नहीं कैसा गुरु हूँ। तो मतलब उनको ना उस लेवल का या उतना उनको ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए, वो थोड़ा सा लेके थोड़ा सा उसको फिर वो करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा घातक होता है। गुरु शिष्य परंपरा बहुत अच्छी है, लेकिन गुरु उसी को धारण किया जाए जो संपूर्ण हो, या अगर उतना ही सीखा जाए जितना उस गुरु को आता है, गुरु उससे ज्यादा लेवल का उसको सिखाने का वो ना करे तो फिर वो गड़बड़ हो सकती है। पर शास्त्रीय संगीत में तो खैर बड़ी दूर की चीज है, हाँ और लोग कोई भी संगीत आप जितना प्रैक्टिस करोगे जितना रियाज करोगे जितना इसको जियोगे, लोक संगीत तो ये होता है कि आपने उसको अपने आप को उस सिचुएशन में रखना होता है कि जब आप जो कोई गीत गा रहे हैं कि यार उस समय जो गीत था तो क्या स्थिति रही होगी, वो एक्टिंग है एक तरीके वो की। अपने मानसिक तौर पे आपको उस स्थिति में ले जाना पड़ता है। जैसे अब कोई वो नौकर आम पके घर है रस्से भरे हैं डाली है, तो आज तो आम जगह जगह मिल रहे हैं, उसको क्या जरूरत है कहीं से आने की भाई, वो क्यों दिल्ली से आएगा यहाँ तेरे आम खाने, ये जम्मू से क्यों आएगा वो आम खाने। पर वो एक मतलब भावनात्मक तौर से वो जुड़ा हुआ है, और जो घर में बैठी उसकी पत्नी है या प्रेमिका है वो उसको याद कर रही है कि देखो आम पिछली बार हम आम के सीजन पे मिले थे फलां जगह मिले थे, तो अब आम पक गए हैं तो आप आओ है ना, वो नौकर आम पक के घर है रस्से पर ये डाली है, तो इस उस स्थिति में स्वयं को वहां रखना पड़ता है कि यार अगर वहां क्या स्थिति होगी इस सिचुएशन में, तो आपको फील भी वैसा आएगा और आप प्रॉपर तरीके से उसको कम्युनिकेट भी कर पाएंगे अगर उस स्थिति में रखेंगे तो। अगर वर्तमान में जी के आप वो करेंगे तब तो दुकान वाला फंडा ज्यादा बेटर सर अभी आप मतलब रियाज करते हैं अभी आप कैसे? है। जैसे शुरू में तो मैं बहुत ज्यादा रियाज करता था बचपन में, जब कॉलेज में गया तो मैंने बहुत ज्यादा रियाज किया। अभी शोज वगैरह हो रहे हैं हाँ सर? शोज तो चलते रहते हैं। हाँ अभी तो पिछले गर्मी के जागरण था, मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला था कि मैं मॉल जल्दी नहीं आना, मैं थोड़ा आप नहीं आते थोड़ी देर तो फिर मैंने अभी और रेस्ट करना था। तो मैंने मतलब उस टाइम जब मैं स्कूलिंग से कॉलेज आया, मैं 14-15 साल में मैंने पराठा खाया, मैंने तली हुई चीज़ें नहीं खाई, मैंने अचार नहीं खाया, मतलब इतना सेक्रीफाइस किया, दही दही वगैरह लस्सी बिल्कुल नहीं खाई। जैसे हम उस पे जाते थे शादियों वगैरह में, तो जैसे वो खट्टा उट्टा होता है खट्टा मीठा वगैरह वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। फिर एक दिन मैंने ना लता जी का एक इंटरव्यू था तो वो सुना मैंने, तो उसमें उन्होंने यह बताया कि भाई रियाज का एक पर्टिकुलर, वैसे तो उसको मतलब वो तो मॉर्निंग में उठ के वो करती थी, वो जी क्लासिकल उन्होंने सीखा था तो जी वो क्लासिकल उसको करती थी,
प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस है कि आप चाहे कोई भी गीत लो, कोई भी गीत गाओ जिसको मतलब निचले स्केल से लेके तार सप्तक तक वो जाए, मंदर सप्तक से तार सप्तक तक वो प्रैक्टिस हो आपकी, उसको मतलब आपको कर लें, आधा पौना घंटा एक घंटा अगर आप कर ले तो आपका वो मतलब ठीक हो जाएगा। वो कहते थे कि भाई मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, अचार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं गोलगप्पे भी खा लेती हूँ, मैं हर चीज़ खाती हूँ, मैं पहले परहेज करती थी, अब मैं कोई परहेज नहीं करती। जब मैंने वो सुना तो मुझे बड़ा ये हुआ, मैंने कहा यार मैं तो ऐसे 14-15 साल ऐसे निकाल दिए। उसके बाद मैंने वो धीरे धीरे खाना शुरू किया, लेकिन इन बिटवीन मेरा गला खराब हो गया। फिर वो 14-15 साल की कसर निकल वो मतलब गला खराब हो नहीं, वो गला तब करके खराब हुआ क्योंकि उस टाइम मेरी कुछ कैसेट्स काफ़ी हिट हुई, जब जैसे आई ना तो उसकी डिमांड काफ़ी हो गई। तो मैं पीआर में था तो पीआर में भी हमारे सॉन्ग एंड ड्रामा वो था डिपार्टमेंट, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड, एमएलए, मंत्री, प्रधान, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो डिमांड आती थी। तो हमारे जैसे को फंक्शन होते तो उसमें भी वो गाना पड़ता और डिमांड तो होती थी कि हाँ जी शुरू हो जाओ, तो वो फिर शुरू हो जाते थे। तो कई बार गला बैठ जाना, फिर वो ज़बरदस्ती गाना, तो मेरे वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गई। तो फिर जैसे हमारे यहाँ कंध विश्वास होता है कि जी किसी ने खिला दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, फिर उनको भड़कों से बढ़ गए, कोई चेले, कोई पता नहीं क्या क्या, कोई ये खाओ ये गरारे करो पता नहीं क्या किया। तो मेरे घर रिलेटिव हैं दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि आपने एक बार चेक करवा लो। तो मैंने कहा यार यहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर, ये वही इसको नहीं कर पाए, तो अब वहाँ दिल्ली वालों ने क्या कर लेना। तो मैं गंगाराम में मैंने चेक करवाया, तो डॉक्टर आज हमारे यहाँ तो डॉक्टर बड़े होते हैं ना, थोड़े सूटेड बूटेड और बड़े पर्सनैलिटी वाले। तो वहाँ जो उन डॉक्टर से मिला, मुझे आज भी आया, डॉक्टर देवेंद्र राय हैं वहाँ पे ना, वो उन डॉक्टर का उन्होंने ऐसे फंसाया हुआ छोटा सा कैबिन जैसा बनाया हुआ, तो मेरा नंबर 3500 नंबर था। वो आए और उन्होंने ना आवाज़ लगाई कि भाई आप करने राणा कौन है? मैंने सोचा ऐसे फोन का होगा कोई असिस्टेंट वगैरह, अंदर मैं देखूँ ना डॉक्टर डॉक्टर तो कोई दिखा नहीं दे रहा, वो कुर्सी वगैरह टेबल पर मेरे को बिठा दिया। बोले हाँ बताओ क्या हुआ? मैं कहा जी ऐसे ऐसे है। मैं जी डॉक्टर साहब नहीं है। बोले हाँ क्यों? डॉक्टर को सींग होते हैं, मैं डॉक्टर लग रहा हूँ। मैं कहा जी हमारे यहाँ तो बड़े भाई हाई फाई डॉक्टर होते हैं। उन्होंने वैसे वो चेक किया, वो बोलते भाई ये आपको इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। और मैंने कहा सर मेरा तो अभी कैरियर शुरू हुआ, वो तो सिर मुटाते ओढ़े पड़ गए। तो मैंने कहा जी अब ये क्या गारंटी है कि उसके बाद मैं बाहर? वो बोलते मैंने हज़ारों ऐसे इसकी सर्जरी करी है, आप मत डरो। तो परमात्मा की दया से वो ऑपरेशन करवाया तो ठीक ही रहा। तो तब से लेके वो सिलसिला चल रहा है। उसमें भी जब तब तक मेरे को टी सीरीज के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हो गया था। अभी एक ही कैसेट निकाली और उसमें गला बैठ गया। तो जब ऑपरेशन के बाद दोबारा वो बोला कि हाँ जी आप गाओ, तो मैंने कहा जी मैं भजन से शुरुआत करूँगा। बोले तेरे पहाड़ी भजन किसी ने सुनने यार? बोले ये पहाड़ी पूड़ी नहीं तो नहीं चलेंगे, बोलते आप तो लोक संगीत गाओ। मैं कहा जी फिर मैं नहीं गाऊंगा, फिर तो रहने दो। उस टाइम थोड़ा मतलब डिमांड ज़्यादा थी। फिर वो मान गए, चलो ठीक है अच्छा गाओ आप, साथ में लोक संगीत लोक गीतों की कैसेट भी कर दो। तो एक मैंने गाई थी निंद्रे पारे पारे चली जाए घड़ी पर राम जपना, दूसरी कैसेट गाई थी फुला दी बरखा लाई बाबे ने, और तीसरी गाई थी कैसा लगा गोरी पाड़े का फसल। और ये तीनों के तीनों सुपर डुपर हिट हुए। और वो मतलब इतनी बाबा जी की कृपा हुई, उसके बाद फिर कोई कैसेट ऐसी हुई नहीं कोई जो अभी फ्लॉप हुई हो जिसको पब्लिक ने ना पसंद किया, जिसमें ऊपर वाले का बुजुर्गों का आशीर्वाद ना मिला हो बहुत ज़्यादा। तो ये था अपनी राम कहानी। और आगे फिर कुछ आने वाला है कोई? हाँ अभी अभी 2-3 गीत किए हैं, थोड़ा सा अभी ना थोड़ा सा हल्का सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो नए गीत जैसे हैं उसको थोड़ा सा एकदम से तो नहीं पर थोड़े से हल्के से उसको मॉडिफाई करने की कोशिश है। तो अभी हमने मेरे 4 गीत टी सीरीज के साथ अभी रिकॉर्ड किए हैं एक बार में, बाकी 8-10 गीत तो वैसे बड़ी पहले के रिकॉर्ड करके पड़े हुए हैं। जब ये यूट्यूब का पंगा पड़ गया फिर मैंने वो बंद कर दिया फंडा, तो अभी मतलब चल ही रहा है। अम्मा कुछ दी सुन दिए मेरी ये दिए भला धूप भी तू क्या करी हुई वो दिए भला धूप भी तू क्या करी